वेलकम अगेन, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज कैटल। दोस्तों, अभी हमने एक वीडियो आपको बताया था डिस्टेंस डायरेक्शन के डाउट पर। आज हम नया वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और जो नया वीडियो है हमारा वो आज बेस्ड है ऑर्डर एंड रैंकिंग पर। ऑर्डर एंड रैंकिंग पर होता क्या है, पहले इसके बारे में समझ लें। इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा कर्म निर्धारण या कर्म निर्धारित करना। क्रम निर्धारित करना यानी कि किसी बंदे की पोजीशन बताना, ठीक है। अब कई बच्चे, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो हमेशा डाउट में रहते हैं कि मैम ये हम सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं यानी बैठक व्यवस्था कर रहे हैं या हम ऑर्डर रैंकिंग कर रहे हैं, तो इन दोनों में हम किस तरीके से पता लगाएं। आप ये बोल सकते हैं उसमें आपको लोगों को बैठाना ज़रूर है, लेकिन हम इसे सीटिंग अरेंजमेंट नहीं बोलते। सीटिंग अरेंजमेंट एक डिफरेंट ही आपका कॉन्सेप्ट है उसका। उसमें कुछ लोगों को बैठाना है, दाएं बाएं का हमेशा ध्यान रखना है, बायां दायां हर एक पर्टिकुलर बंदे के लिए अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है उनका फेस किस तरफ है। लेकिन ऑर्डर और रैंकिंग की अगर हम बात करें तो इस ऑर्डर रैंकिंग में पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। आपने थंबनेल देखा होगा इसका भी, जो मैंने वीडियो डाला तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक लाइन बनी हुई है जिसमें मैंने इस तरीके से कुछ लाइंस खींची हुई है। ये क्या है, लोगों के बैठे हैं लोग, कुछ लोग बैठे हैं, नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं। और हमेशा ध्यान रखना बेटा, इसको आप लेफ्ट मानेंगे और इसको आप राइट मानेंगे, यानी ये आपके लिए हमेशा बाएं का काम करेगा तो ये आपके लिए हमेशा दाएं का काम करेगा। बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा बायां इधर और दायां इधर बोलना है, अनटिल एंड अनलेस एग्जामिनर खुद आपको ये ना बोल दे कि भाई दायां इधर लो या बायां इधर लो, ठीक है। यानी आपको हमेशा बाय डिफॉल्ट यही बायां और यही दायां मानना है। यानी आप अगर सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो जो आपका लेफ्ट है वही इसका भी होगा, जो आपका राइट है वही इसका भी होगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई, ये बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ऑर्डर रैंकिंग की, तो अगर बात करते हैं एसएससी की या कोई भी आपका एग्जाम होता है, रेलवे एसएससी कोई भी, तो उसमें ये 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अगर एक क्वेश्चन एसएससी की बात करें 2 नंबर का आता है, और इससे अगर 2 क्वेश्चन पुट ऑन हो गए तो 4 नंबर का आ सकता है मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, बैंक की, तो बैंक में ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। यानी आपके बैंक में आने का जो इसका प्रोसेस है, या आप बोल सकते हो इसका जो तरीका है जो एग्जामिनर बैंक के एग्जाम में देता है, वो ऑर्डर रैंकिंग एसएससी के ऑर्डर रैंकिंग थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन बेसिक्स आपको आने चाहिए दोनों के, ठीक है। तो पहले हम बेसिक पर बात करेंगे, क्या दायां होता है, क्या बायां होता है, क्या ओवरलैपिंग होती है, क्या नॉन ओवरलैपिंग होती है, मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, बीच के लोग कैसे निकालते हैं, ये सब पर हम बात करेंगे। और जैसे ही हमारी ये बात खत्म हो जाएगी उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि बैंक में एग्जामिनर वर्ड प्रॉब्लम टाइप में किस तरीके से एक पजल फॉर्म में क्वेश्चन को देता है, ठीक है। घबराइए नहीं, काफी इजी है क्योंकि आपके साथ आपकी रीजनिंग फैकल्टी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको, आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, सामने एक क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैम हमें एक काम करो, आप फॉर्मूले लिखा दो, ठीक है, और हम फॉर्मूले रट लेंगे और हम एग्जाम में करके आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन चलो मान लिया आपने फॉर्मूले रट लिए, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बेटा रटना ही काफ़ी नहीं है कि फॉर्मूले रट लिए, आपको ये भी पता होना चाहिए किस क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। और कई बार फॉर्मूले भी आपके आंसर नहीं दे पाते, सच है ये बात, क्योंकि आपको थोड़ा कहीं ना कहीं कॉमन सेंस जरूर लगाना पड़ता है। मैं आपको फॉर्मूले भी बताऊंगी, ऐसा नहीं है, फॉर्मूले बताऊंगी, फॉर्मूले कहाँ से आए और कहाँ पर किस तरीके से आपको एक फॉर्मूले से दो दो फॉर्मूले आप निकाल देते हो, ठीक है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन निकालना है, हमेशा फॉर्मूला क्यों सही नहीं होता, क्या आप गलती करते हैं फॉर्मूले को चूज करने में, ये सारी बातें भी हम यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। तो धीरज के साथ बनाए रखिए और देखते रहिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक, ताकि आपको ऑर्डर रैंकिंग में कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ठीक है। धीरे धीरे मैं चीज़ें आपको बताती रहूंगी क्या ओवरलैपिंग होती है, क्या होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम करेंगे सामने वाला एक क्वेश्चन। तो सामने आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी, यानी कि कोई बच्चा भी इसे कर लेगा। अगर उसको ABCD भी नहीं पता है ऑर्डर रैंकिंग का तो वो भी इसको कर लेगा, ये श्योरिटी है मेरी, ठीक। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ राखी इज 15th फ्रॉम लेफ्ट, हिंदी में भी दिया हुआ है, ठीक है, तो हिंदी वाले परेशान ना हो। कह रहा है एक रो है, ठीक है, एक पंक्ति लेंगे आप
और वो कह रहा है कि एक राखी है कोई जो 15वें स्थान पर है बाईं ओर से, तो बाईं ओर से यानी कि यहां से, क्योंकि मैम ने कहा था हमेशा लेफ्ट इसको मानना है और राइट हमेशा इसको माना है, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये दायां और ये बाएं का काम करेगा। और उसने बोला राखी 15वें स्थान पर है बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से, यानी कि यहां से गिनना है। यहां से गिनते गिनते अगर राखी 15वें स्थान पर है तो मैंने यहां पर बैठा दी कौन, राखी। अब दो तरीके हैं बैठाने के, एक 1 2 3 4 5 6 डंडियां खींचते रहो, 14 डंडियां खींचने के बाद 15वें नंबर की डंडी पर आप या 15वें नंबर की सीट पर राखी को बैठाओ। पर क्या ये सही तरीका है, और स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मैम राखी को बैठाते बैठाते अगर मान लीजिए एग्जामिनर ने बोला राखी 15वें नहीं, राखी 105वें स्थान पर है, तो क्या आप 104 डंडियां खींचेंगे? क्या आप 105 डंडियां ऐसे खींचेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको समय का भी ध्यान रखना है। तो देखना, आपने कहा कि जो राखी है वो 17 नंबर पर है कहां से, सॉरी 15 नंबर पर है कहां से, लेफ्ट साइड से। तो बेटा उसके इधर कितने लोग बैठे होंगे, उसके इधर 14 लोग बैठे होंगे, 14 लोग छोड़कर फिर 15वां जो स्थान होगा वो राखी का होगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 15 छोड़कर 16वें स्थान पर राखी को बैठाते, नहीं, 15th नंबर पर अगर राखी है तो उसके इधर 14 छोड़कर 15वें नंबर पर आपको राखी को बैठाना पड़ेगा। बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है। अगली लाइन क्या बोलिए, अब आगे बोला है, कहता है एंड 17 फ्रॉम राइट, और दाईं ओर से 17वीं है, कौन, राखी है, और किसी का तो नाम लिया ही नहीं, यानी दाईं ओर से अगर हम गिने किसको, राखी को, तो वो कौन से नंबर पे बेटा, 17वें नंबर पे। अगर वो 17वें नंबर पर है तो यानी उसके इधर कितने लोग बैठे होंगे, उसके इधर 16 लोग बैठे होंगे। मानते हो उस बात को? बिल्कुल मानना ही पड़ेगा, 16 और ये 17वें नंबर, ठीक। अब कहता है फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द रो, या रो की में कितने कुल लोग हैं ये ज्ञात कीजिए। तो मैंने पहले ही कहा बच्चों वाला क्वेश्चन है, कभी एग्जाम में नहीं आएगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं, ठीक है। तो मैम करा क्यों रही हो, ठीक है। तो ऐसे तो कई चीज ऐसी होती है जो कराती हूँ एग्जाम में आती है पर आप नहीं करते हो, है ना। यानी कि ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं पहले हम कि भाई क्या हो रहा है चीजें, ठीक है, धीरे 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 हम लेवल अप करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैंने कहा टोटल बताओ भाई यहां से लेकर यहां तक, तो 14 इधर है, 16 इधर है, और एक राखी यहां पर, राखी को तो नहीं गिना ना, राखी के इधर 14, राखी के इधर 16, और एक खुद राखी। तो अगर इसको ऐड करना हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई कर नहीं पाएगा, आराम से आपका आंसर आएगा 31, यानी इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, 31 लोग बैठे हैं, 31 लोग बैठे हैं इस पूरी पंक्ति में। आई बात समझ में, आ गई होगी, है ना, क्योंकि इतनी मुश्किल नहीं थी। अब बात करते हैं कि मैम ऐसे ही करना है एग्जाम में, चलो बताते हैं। देखो इसको करने में भी टाइम नहीं लगता, बहुत ईजी है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम खींच लेता है, बिल्कुल नहीं, वो तो मैं समझा रही हूं आपको, इसलिए ऐसा है। अब बात करते हैं कि अगर मैम हमें इसे फॉर्मूले के थ्रू करना है तो हम कैसे करेंगे, क्या कोई फॉर्मूला बनाया इसके लिए? बिल्कुल बनाया, जिसमें ना आपको लाइन खींचनी, ना आपको कुछ करना, आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है बेटा, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये एक फॉर्मूला होता है। टोटल मतलब कुल संख्या, अगर आपको कुल संख्या निकालनी हो, बाएं से दी गई संख्या तथा दाएं से दी गई संख्या, इसके ऊपर आएगा, है ना, ऐसी बिंदी आएगी, माइनस 1। उस क्वेश्चन में क्या बोला है, बाएं से क्या नंबर बोला है, बाएं से बोला है 15, दाएं से क्या बोला है, दाएं से बोला है 17, फिर माइनस 1, और हमें क्या निकालना है, कुल यानी कि टोटल ही तो निकालना है कि टोटल कितने लोग बैठे होंगे। अब अगर मैं इसे ऐड कर दूं तो कितना आएगा, 32, 32 ही तो आएगा ऐड करके, और माइनस कर दूं 1 तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ गया, 31 आ गया। और यही तो आंसर था, यही तो आंसर था अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, हाँ मैम यही आंसर था, है ना। तो ये क्या है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी बाएं से दिया गया नंबर तथा दाएं से दी गई पोजीशन में एक माइनस कर देंगे तो कुल संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम अगर आप ज्यादा सोचते हो, वैसे तो कुछ बच्चे कहेंगे हाँ यही सही है, यही सही है, बस नारे गाएंगे, हाँ बस ये फॉर्मूला याद कर लो, हो जाएगा कल्याण, ठीक है। ध्यान से सुनना, माइनस 1 क्यों किया जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं बाएं और दाएं ऐड कर लो, खत्म बात, माइनस 1 क्यों कर रहे हो। माइनस 1 करना इसलिए जरूरी है बेटा, क्योंकि जो राखी है, जो राखी है वो बाएं से और दाएं से, अगर आप
15 भी ले रहे हो, 17 भी ले रहे हो, तो बाएं और दाएं से राखी की पोजीशन कितनी बार काउंट हो रही है? दो बार। और राखी यानी एक ही बंदे को दो बार काउंट करना तो फेयर है ही नहीं, है ना। मैंने कहा इस कमरे में यहाँ पर बोर्ड के सामने कितने लोग हैं? आप बोल रहे हो मैम इधर से एक, उधर से एक, दो लोग हैं। मैं ही हूँ वही अकेली, मुझे एक बार ही तो गिनोगे, दो बार थोड़ा ना गिनोगे। इसका मतलब ये है कि बाएं और दाएं को ऐड करने के बाद उसको बैलेंस करने के लिए, जो आपने राखी को दो बार गिन लिया है उसको बैलेंस करने के लिए माइनस वन लगाया जाता है। इसीलिए फॉर्मूला बनता है टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, यानी कुल संख्या इक्वल टू बराबर बाएं प्लस दाएं माइनस एक। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं कि फॉर्मूला क्यों ऐसा होता है कि मैं कह रही हूं कि फॉर्मूले पर इतना फोकस ना करें। तो अब एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, जरा देखो उस क्वेश्चन को, ठीक है। उस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है, सबसे पहले किसका जवाब आता है ये भी देखते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं जो मुझे आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो जरा देखिए और बताइए मुझे कि क्या आंसर होने वाला है क्वेश्चन का। हाँ, क्वेश्चन पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, पक्का। क्वेश्चन क्या है? इन अ रो रोनाल्डो इज, किसी पंक्ति में रोनाल्डो बाई ओर से 16वें स्थान पर है, ठीक है। तो भैया बना रहे हैं कुछ बच्चे, ये रहा बायां, बाएं से रोनाल्डो, ठीक है, सबका फेवरेट रोनाल्डो कौन से नंबर पर है? रोनाल्डो है 16वें नंबर पर, यानी यहां कितने लोग हमें याद है? 15। 16वां कौन है? रोनाल्डो। और दाई ओर से 9वें नंबर पर है कौन? अपना रोनाल्डो। दाई ओर से कौन से नंबर पे? 9वें नंबर पे, 9th नंबर पे। तो यहां कितने लोग? यहां 8 लोग बिना किसी शक के। कहता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, मेल मेंबर्स इन दैट रो, इस पंक्ति में कुल कितने पुरुष होंगे ये ज्ञात कीजिए। आओ देखा ना ताओ, 15, 8 और एक अपना रोनाल्डो। अगर मैं इसे ऐड कर दूं, अगर मैं इसे ऐड कर दूं, क्या 24 आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या आंसर सही है? नहीं। क्यों? फॉर्मूले से करते हैं, मैम ने ऐसे किया ना इसलिए गलत हुआ है ना, फॉर्मूले से करते हैं, फॉर्मूले से सही आंसर आएगा भाई। टोटल ये रहा, टोटल निकालना है। लेफ्ट से पोजीशन क्या थी? 16। राइट से पोजीशन क्या थी? 9वीं। और माइनस एक, इन दोनों को ऐड किया कितना? 25 माइनस एक, आंसर कितना आया? 24। ये तो यही आ रहा है, लेकिन मैम तो कह रही है गलत है। इसका मतलब कुछ ऐसा है जो हमने ढंग से नहीं पढ़ा, कुछ ऐसा है जो हमने ढंग से नहीं पढ़ा। अब वही ढंग से क्या पढ़ना है जरा देखना। क्वेश्चन में क्या बोला है जरा फिर से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन द रो, पूरी पंक्ति में कुल कितने पुरुष हैं ये ज्ञात कीजिए। रोनाल्डो पुरुष है, मान लिया, मान लिया मैंने, ठीक है। लेकिन रोनाल्डो के इधर जो लोग बैठे हैं और उधर जो लोग बैठे हैं, क्या वो सभी पुरुष हैं? और अगर पुरुष हैं तो कहां लिखा है ऐसा? इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या होगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर ऑप्शन दिया होता तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आप आंसर लिख लेते यहां पर, ठीक है। तो कई बार इस तरह का क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन में ये बोल देता शुरू की लाइन में कि इन अ रो ऑफ मेल या इन अ रो ऑफ मैन, मैन की रो में, पुरुषों की रो में रोनाल्डो यहां से इस नंबर पे, वहां से इस नंबर पे, अब इतना इतना ये है, टोटल बताओ कितने मेल मेंबर बैठे होंगे, टोटल कितने पुरुष बैठे होंगे, तो आंसर देना बहुत आसान था और 24 ही आंसर होता। बट वहां पर ये नहीं बताया कि इस पूरी पंक्ति में लड़के ही बैठे हैं या लड़कियां भी हैं। हो सकता है ये जो 8 बैठी हों ये लड़कियां हों, या इन 8 में से 4 लड़के हों 4 लड़कियां हों, ये जो 15 बैठे हैं ये सारी लड़कियां हों, हो सकता है ये 15 के 15 सारे लड़के हों, और हो सकता है सारे लड़के हों। लेकिन दिक्कत क्या है? मेल मेंबर या फीमेल मेंबर, किसी का भी अनुपात आप नहीं बता सकते, ना आपको फीमेल का पता ना मेल का पता, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर देना संभव नहीं है। लेकिन फिर मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, एग्जाम में हमेशा एक्टिव रहना है बेटा। एक्टिव का मतलब, अब मैंने आपसे बोला कि बेटा अच्छा मान लो यही क्वेश्चन आ गया और एग्जामिनर ने आपको 5 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, बैंक में हो तो 5 मिलेंगे, और अगर SSC वगैरह का दे रहे हो, स्टेट उसका, NTPC वगैरह का, रेलवे वगैरह का, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है
41, दूसरा ऑप्शन है 24, फिर है 25, फिर है 21 और फिर है आपका 23. अब क्या आंसर बोलोगे बताओ, अब क्या आंसर आना चाहिए, आंसर क्या आएगा? सीएनडी तो है ही नहीं ऑप्शन में, अब हम क्या टिक लगा सकते हैं? 24. क्यों लगा सकते हैं अब 24? क्योंकि मैम अब सीएनडी ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमने मान लिया कि एग्जामिनर यही मान के बैठा है कि वो पूरी पंक्ति ही लड़कों की है. समझ में आई बात? तो ध्यान रहे बेटा, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे दे रहा है, ऑप्शन पढ़ने भी उतने ही जरूरी हैं जितना कि क्वेश्चन. ठीक है, चलो. तो सिर्फ ये मत याद रखना कि है फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला लगा लो. ठीक है, ये भी याद रखना कहाँ लगा लो. ठीक है, चलो. अच्छा, ये बात समझ में आ गई होगी. अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में लिखते रहिए, बताते रहिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. और हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी बताते रहिए, मेंशन करते रहिए. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारा सेकंड क्वेश्चन. तो देखिए, आप सभी को दिख रहा होगा क्वेश्चन सामने, है ना. क्वेश्चन क्या है? प्रीति 16 फ्रॉम लेफ्ट, यानी कोई प्रीति नाम की लड़की बाईं ओर से कौन से नंबर पर है? 16वें नंबर पर. यहां कितने लोग होंगे? 15. ठीक है, मैं हर क्वेश्चन को बेसिक तरीके से प्लस फॉर्मूले के तरीके से दोनों तरीके से बता रही हूं, आपको जो अच्छा लगे वो करना, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस से. ठीक है, फिर कहता है एंड कबीर सिंह इज 17 फ्रॉम राइट. प्रीति आई है तो कबीर सिंह भी आएगा. प्रीति बाईं ओर से 16वें स्थान पर और साथ ही साथ कबीर सिंह दाईं ओर से 17वें स्थान पर. मान लेते हैं ये कबीर सिंह. कबीर सिंह देखी है तुम लोगों ने? देखी होगी, है ना. क्यों नहीं देखोगे, यही करते हो और करते क्या हो. चलो बढ़िया है, ठीक है. लेकिन वो डॉक्टर था, याद रखना. ठीक है, तो खुद भी कुछ बनो. तो कबीर सिंह दाईं ओर से 17वें नंबर पे. 17वें नंबर पे यानी यहां कितने लोग? यहां 16 लोग. ठीक है, कहता है फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द रो या फाइंड द टोटल मेंबर्स इन द रो. बताइए इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, मैंने ऑप्शन नहीं दिए. अच्छी बात यह कि मैं ऑप्शन ही नहीं दे रही हूं, आप खुद खेल रहे हैं यहां पर. ठीक है, आप मुझे बताइए कितने लोग को टोटल होंगे इस पूरी पंक्ति में. आपको मैं देती हूं पूरे एक मिनट का टाइम. कुछ आंसर आ रहे हैं 33. अच्छा, कुछ ये भी बोल रहे हैं कि 32 कर लो. बढ़िया, फर्स्ट क्लास. हाँ, अब आप सोच रहे होंगे मैम को कैसे पता चल रहा है कि हमने 33 और 32 बोला. इट्स अ लाइव वीडियो और रिकॉर्डेड वीडियो. लेकिन तुम्हें पता है, इतने टाइम तुम लोग को पढ़ाया है कि मुझे पता है कि तुम लोग क्या क्या सोच सकते हो घर में बैठे हुए. कुछ ऐसे भी हैं प्यारे बच्चे मेरे जो आंसर सीएनडी कह रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं, है ना. तो बेटा देखो, मुझे इस बार पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, एक ही बंदा था जो बाएं से भी था और दाएं से भी था. यानी एक ही बंदा था जिसको बाएं से जिसकी पोजीशन और दाएं से बता रहे थे, इसीलिए उसके लिए फॉर्मूला लग रहा था टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन. अब क्या हो गया, अब यहां से तो प्रीति रोल निभा रही है, लेकिन इधर से रोल कौन निभा रहा है? कबीर सिंह. इधर से प्रीति, इधर से कबीर सिंह. बीच में कोई है या नहीं है कुछ पता नहीं. हाँ, वैसे कबीर सिंह आने नहीं देगा किसी को बीच में, लेकिन वो बात थी पिक्चर की. यहां पर हम अपनी मर्जी से कहीं भी उसे घुमा सकते हैं. ठीक है, तो मैंने कहा भाई यहां पर कितने लोग हैं, कह रहा मुझे क्या पता, और है भी कि नहीं, हो सकता है जीरो लोगों, हो सकता है कोई हो ही ना, प्रीति हो, प्रीति के जस्ट नेक्स्ट में कबीर सिंह हो. इसका मतलब अब इस क्वेश्चन में आप लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला मत लगा देना कि बाएं से दिया है 16, दाएं से दिया है 17. वो केस तब लगता है जब एक ही बंदे की पोजीशन बाएं तथा दाएं दोनों से दी हो. ठीक है, तब हम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं. लेकिन अब यहां पर कोई फॉर्मूला आपका साथ नहीं दे सकता. यहां पर आंसर सिंपल होगा सीएनडी. ठीक है, जो लोग 33 बता रहे हैं बेटा या 32 बता रहे हैं, वो लोग गलत हैं. क्यों गलत हैं? वो लोग क्या कर रहे हैं, यहां से लिया प्रीति का 16, यानी लेफ्ट से प्रीति 16 में, और फिर लिया राइट से 17. क्यों? क्योंकि राइट से अपना कबीर सिंह 17 में है, और फिर उसमें से माइनस वन कर दिया. कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं. ठीक है, और यहां पर इन्हें ऐड किया, ऐड करने के बाद क्या आएगा, 33 माइनस एक तो 32 उनका तब आंसर आ रहा है. ठीक है, 33 वालों को पता नहीं क्यों आ रहा है, 32 तो उनका तब आ रहा है. लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये 32 आंसर क्या है, गलत है, तो बिल्कुल ये सही है बात मेरी कि ये गलत है. क्यों?
क्योंकि उस समय तो सिर्फ एक ही बंदा है जिसका लेफ्ट और राइट आप बताते थे, इसके बीच में कोई है या नहीं है, कितने हैं हमें पता ही नहीं है। तो सिंपल आंसर क्या होगा, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। और इसमें एग्जामिनर ऑप्शन के साथ भी नहीं खेल सकता, क्योंकि ये साफ साफ सीधी सीधी बात है कि इनके बीच में ओवरलैपिंग है, नॉन ओवरलैपिंग है, वो क्या होती है, वो हाई लेवल की बातें बताऊंगी अभी, अभी सिर्फ इतना समझ लो। तो इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिकली कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आप इसको निकाल लो, ठीक है, समझ में आ गई बात, बढ़िया अच्छे तरीके से, अगर आ गई है तो बताओ। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाए, कैसे हम आंसर निकाल सकते हैं इसका, अब देखो सामने क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, यही प्रीति और कबीर सिंह ही हैं, लेकिन इस बार इन्होंने कुछ अलग किया है। क्या एक रो ली, क्या बोला प्रीति बाई ओर से वही 16वें नंबर पे बैठ गई प्रीति, क्वेश्चन सेम है, बस एक चीज ऐड हो गई है, 16वें नंबर पे अगर प्रीति है तो यहां कितने लोग होंगे बच्चे, 15। दाई ओर से कौन बैठा है, कबीर सिंह, कौन से नंबर पे बैठा है कबीर सिंह, कौन से नंबर पे बैठा है कबीर सिंह, बैठा है आपका 17वें नंबर पर, तो यानी यहां कितने लोग होंगे, 16 लोग होंगे। अब क्या कहता है, कहता है इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द रो इज 40, ये जो लाइन है ये है रामबाण, क्या बोला, ये बोल रहा है कि अगर इस पूरी रो में टोटल ही दे दिया, कह रहा भाई टोटल हम दे दे रहे हैं आपको, इस पूरी रो में टोटल लोगों की संख्या कितनी है, 40 है, टोटल लोगों की संख्या 40 है, तो अब आप हमें बताइए कि इन दोनों के बीच में कितने बैठे होंगे। अभी तक क्वेश्चन क्या था कि ये सब दिया था, ये नहीं दिया था, ये पूछा हुआ था, अब क्या है, ये सब दिया है, ठीक है, ये नहीं पता कि कैसे बैठे हैं, इनके बीच में कितने बैठे हैं, बैठे भी हैं कि नहीं बैठे, लेकिन क्या दे दिया कि भाई टोटल कितने हैं, टोटल 40 हैं, टोटल 40 है बोल दिया। अब खुद सोचो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 2 3 4 डंडिया नहीं, ये नहीं सह पाऊंगी मैं, ठीक है, डंडिया तो बिल्कुल नहीं चाहिए नहीं मेरे को, ठीक है, क्या करना है आपको, आपको देखना है कि अगर आपके पास 40 लोग हैं और आपको यहां बैठाने हैं, जिसमें कबीर सिंह कहता है कि भाई यहां से यहां तक 17 लोग बैठे हैं, 16 यहां और एक मैं, एक मेरी सीट है और एक 16 लोगों की, तो मैंने कहा ठीक है 17 लोग बैठ गए, और प्रीति कह रही है मेरे इधर 15 बैठ गए और एक मैं खुद बैठी हूं, तो कितने बैठ गए, 16 लोग बैठ गए। अब खुद सोचो, इधर 17 लोग बैठ गए, इधर 16 लोग बैठ गए, यानी टोटल कितने लोग बैठ गए, टोटल बैठ गए मैम 33 लोग, कितने लोग बैठ गए, 33 लोग बैठ गए, 40 लोगों की सीट में 33 लोगों ने सीट ले ली है, तो बचे कितने होंगे मैम, बचे होंगे 7, वो 7 कहाँ बैठेंगे, इधर बैठ जाएंगे क्या, अरे इन ये पहले से बैठे हैं, इनके ऊपर थोड़ा ना बैठेंगे, इधर प्रीति के बगल में थोड़ा ना बैठेंगे, तो कहाँ बैठेंगे, वो होंगे सबसे खतरनाक लोग जो कबीर सिंह और प्रीति के बीच में बैठने की हिम्मत करने वाले हैं, यानी कि वो उनके लिए और कोई जगह ही नहीं है, इधर भी घेर ली सीट है, इधर भी घेर ली सीट है, इधर कबीर सिंह इधर प्रीति, तो वो कहाँ बैठेंगे बेटा, बीच में बैठेंगे, यानी आपका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा आपका आंसर, ठीक है। क्या किया मैंने, बाएं ओर से सारे लोग, दाएं ओर से सारे लोग, और टोटल में से उन लोगों को क्या कर दिया, उन दाएं और बाएं वालों को घटा दिया, तो जो बची हुई सीटें थी यानी जो बचे हुए लोग थे वो कहाँ बैठ गए, बीच में, क्योंकि दाएं और बाएं तो जगह बची नहीं है। समझ में आ गई बात, ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूले वाले घबराएं नहीं, फॉर्मूला भी बताऊंगी, बिना फॉर्मूले बताए जाऊंगी कहाँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैम हमें ये फॉर्मूले से बताओ, फॉर्मूला बताओ कैसे कैसे आपने ये 7 निकाल दिया। तो देखो ये 7 निकालना ज्यादा टफ नहीं था बेटा, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, जब आपको किन्हीं भी दो लोगों के बीच में, अभी तक तो एक आदमी आ रहा था वही दाएं से वही बाएं से, अब जब भी आपको क्वेश्चन आएगा दो लोगों का कि एक आदमी दाएं से है एक आदमी बाएं से है, उनके बीच में कितने बैठे हैं, ठीक है, या वो टोटल कितने बैठे हैं, अगर बीच में बता दे और बोल दे कि दाएं से है बाएं से है बीच में बता दिया तो टोटल कैसे निकालने हैं, तो भाई उसका फॉर्मूला होता है ये, जरा देखना, मिड इक्वल्स टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, ये है फॉर्मूला। मिड का मतलब मध्य के लोग, टोटल का मतलब कुल संख्या जितनी बैठे हैं, ठीक है, और लेफ्ट और राइट का मतलब तो पता ही है, यानी बाएं तथा दाएं, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किन्हीं दो लोगों के मध्य के व्यक्ति पता करने हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंसर क्या आ रहा था, 7 आ रहा था, तो चलिए हम एक बार रेक्टिफाई कर लेते हैं, क्या सही है, मध्य के लोग निकालने हैं जी, कुल कितने हैं जी, 40 थे,
कुल तो 40 थे ना, कि टोटल कितने बैठ सकते हैं 40 माइनस बाएं से, बाएं से ये नहीं कि इतना गिन लिया, बाएं से प्रीति की नंबर, प्रीति बाएं से थी, कौन से नंबर पे 16वें, दाएं से कौन था कबीर सिंह, कौन से नंबर पे 17वें। अब क्या करेंगे, 40 में से क्या करेंगे, इन दोनों का सम माइनस कर देंगे, आंसर क्या आने वाला है, आंसर आ गया है कितना आ गया है 7, आंसर आ गया है 7। और यही तो मैं बात कर रही थी, इसी बारे में तो मैं बात कर रही थी भाई, 7 आएगा आंसर, 7 आ गया मिड की वैल्यू। अब एक चीज ध्यान रखना, फॉर्मूला लगाते समय ये चीज ध्यान रखना कि माइनस लेफ्ट प्लस राइट करते समय से ब्रैकेट में भी रखना। बॉड मास का नियम आपको पता होगा, अगर ये ब्रैकेट आपने नहीं रखा बेटा, तो ये ब्रैकेट नहीं रखोगे तो जो मैथमेटिशियंस हैं हमारे आर्यभट्टा एंड ऑल, यानी जो लोग आप लोग हो, आप क्या करोगे यहाँ पे माइनस करके फिर इसको, ये वाला जो साइन है इसको ऐसे ही प्लस रखोगे, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको घटा देते हैं, लेफ्ट वाले को घटा देते हैं, राइट वाले को उसमें प्लस कर देते हैं, टोटल में 40 है, लेफ्ट में 16 है, तो इसको तो घटा देंगे और बाकी 17 को उसमें प्लस कर देंगे। नहीं 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 नहीं, इसीलिए ये ब्रैकेट में बनाया, ब्रैकेट मतलब पहले इनको जोड़ो और फिर इस संख्या से घटाओ। समझ में आ गई बात, ये बहुत बहुत कॉमन सी बात है, अगर बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये कुछ भी नहीं है, है ना। और आपका आंसर आ गया 7। इस फॉर्मूले को सिर्फ यही नहीं यूज कर सकते, बहुत जगह यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोल देती कि भाई इस क्वेश्चन में इनके बीच में 7 बैठे हैं, ये बता देती, ये बता देती कि प्रीति बैठी है यहां से यहां इस नंबर पे, कबीर सिंह बैठा है यहां से यहां, और बीच में बैठे हैं 7 लोग, ये बता देती और बोलती टोटल आप बताओ, तो तब हमें क्या निकालना होता, तब हमें कुल निकालना होता। क्या गिवन होता, मध्य के लोग, मध्य के लोग कितने गिवन है 7। अब हमें क्या निकालना है बेटा, टोटल निकालना है। मान लो हमें टोटल दिया ही ना होता, मध्य दिया होता सिर्फ, ठीक है, और तब हमसे बोलता तो 33 तो ऐसे ही रहता, ये तो नहीं बदलता, कुल संख्या हमें निकालनी होती। तो हम क्या करते, हम क्या करते, यहाँ 7 था, ये माइनस का 33 उधर जाता, तो माइनस का 33 इधर जाके प्लस का 33 हो जाता, कुल संख्या यानी कि टोटल आ जाता, कितना आता 40 आ जाता। यानी आप इधर से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, यानी कि आपको अगर मिड पता हो, लेफ्ट पता हो, राइट पता हो, तो आप टोटल निकाल सकते हो। अगर आपको मिड सॉरी टोटल पता हो, लेफ्ट और राइट पता हो, तो आप मिड निकाल सकते हो। यानी कि एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, लेकिन शिकार तभी होंगे जब आप अच्छे से जाल फेंकोगे। कहने का मतलब यह है कि आपको ये पता होना बहुत जरूरी बेटा कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें आप कौन सा फॉर्मूला कब कैसे लगाने वाले हो, ठीक है। अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक हो गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी, काफी ज्यादा समस्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको पेन डाउन कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जैसा आपका मन करे वैसा करिए, ठीक है। और आज का वीडियो हम इतना ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक तो आपका त्यौहार है, ठीक है, अच्छे से बना रहे होंगे, ठीक है, परेशान करने आ गई कंचन मैम वीडियो लेके, ठीक है, तो कुछ भी नहीं था, बेसिक सी बातें थी, ठीक है। कल हम इसके आगे का एपिसोड लेकर आएंगे, कल परसों जब भी हमें टाइम मिलेगा, ठीक है। फिलहाल आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो तो कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा, ठीक है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपने तक मत रखा करो ज्ञान, ठीक है, बाहर भी बांटा करो, ठीक। चलिए तो आज इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त कर रहे हैं, इस वादे के साथ कि आपके अगले एपिसोड में मैं कंचन कुकरेती आपकी रीजनिंग फैकल्टी लेकर आऊंगी बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए रीजनिंग मेरे साथ।